सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश, आपके लिए लेकर आया हूं एक बार फिर से वो खबरें जो आपसे छूट गई हो। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के खत्म होने के साथ ही आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। सोमवार को पहली बार केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों में 7 प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लिया। ये 7 प्रॉपर्टी कश्मीर में है। ईडी के जांच अधिकारियों के मुताबिक इस तरह की कार्रवाई पहले आसान नहीं थी। धारा 370 के खत्म होने के बाद उनके लिए आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई आसान हो गई है। ईडी की टीम पिछले कुछ समय से आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सलाहुद्दीन सहित उसके कई आतंकियों से जुड़े मामलों की तफ्तीश में लगी थी। जिन प्रॉपर्टी के खिलाफ एक्शन लिया गया है उसके तार मोहम्मद शफी शाह सहित 6 अन्य आरोपियों से जुड़े हैं। आर्थिक मंदी का असर अब नौकरियों पर दिखने लगा है। खबर के अनुसार टाटा स्टील अपने यूरोप के ऑफिस से 3000 से अधिक लोगों को नौकरी से निकालने की योजना बना रही है। कंपनी के अनुसार अतिरिक्त आपूर्ति, कमजोर मांग और उच्च लागत के चलते उसे ये बड़ा फैसला लेना पड़ रहा है। एजेंसी के मुताबिक यूरोपीय मुख्य कार्यकारी हेनरिक एट्स ने पहले ही बिना आंकड़े दिए कहा था कि जल्द कंपनी यूरोपीय व्यापार में नौकरी में कटौती कर सकती है। एक बयान में टाटा ने कहा कि वह अपने यूरोपीय परिचालनों में 3000 से अधिक कर्मचारियों की संख्या में कटौती करके अपनी परफॉर्मेंस में सुधार करना चाहती है। गोरी दुल्हन की चाहत की वजह से एक मासूम का जीवन दांव पर लग गया है। बक्सर जिले का एक लड़का जिसकी शादी 1 साल पहले हुई अब डायवोर्स लेने की तैयारी में जुट गया है। कारण दुल्हन गोरी नहीं है। शादी के 1 साल बाद उसे यह पता चला कि उसकी पत्नी गोरी नहीं है। इसको लेकर वह अब अपनी पत्नी से तलाक मांग रहा है। राज्य महिला आयोग में यह मामला पहुंच गया है। पीड़िता का कहना है कि उसका पति यह कहता है कि तुम गोरी नहीं हो, इसलिए मुझे तुमसे तलाक चाहिए। पीड़िता ने बताया कि 25 दिसंबर 2017 को हम दोनों का निकाह हुआ था। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चला। 26 दिनों तक मैं अपने पति के साथ रही। पीड़िता का कहना है कि कुछ दिनों के लिए मैं मायके आ गई। जब ससुराल जाने के लिए घर वालों को फोन किया तो मेरे पति ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही उठापटक के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत का बड़ा बयान आया है। भागवत ने इशारों में बीजेपी और शिवसेना दोनों को नसीहत दी है। भागवत ने कहा कि अपने स्वार्थ को बहुत कम लोग छोड़ते हैं। मोहन भागवत ने नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सब जानते हैं कि स्वार्थ बहुत खराब बात है, लेकिन अपने स्वार्थ को बहुत कम लोग छोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि सबको पता है कि प्रकृति को नष्ट करने से हम नष्ट हो जाएंगे, पर प्रकृति को नष्ट करने का काम थमा नहीं। सब जानते हैं कि आपस में झगड़ा करने से दोनों की हानि होती है, लेकिन आपस में झगड़ा करने की बात सभी बंद नहीं करते। भागवत के इस बयान को शिवसेना और बीजेपी दोनों के लिए नसीहत के रूप में देखा जा रहा है। हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अब बीजेपी की अग्नि परीक्षा झारखंड के विधानसभा चुनाव में होनी है। हरियाणा में तो किसी तरह से बीजेपी ने सरकार बना लिया, लेकिन महाराष्ट्र में उसका सबसे भरोसेमंद साथी शिवसेना से संबंध टूट गया। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले ही बीजेपी अकेली हो चुकी है। आजू अलग चुनाव लड़ रहा है। जेडीयू एलजेपी भी मैदान में है। थोड़ी सी राहत उसके लिए इतना भर है कि विपक्ष भी उसके खिलाफ गोलबंद नहीं हो पाई है। झारखंड चुनाव परिणाम का बिहार में भी गठबंधन पर असर पड़ना तय है। झारखंड का चुनाव बीजेपी और एनडीए दोनों के लिए ही अहम माना जा रहा है। अगर बीजेपी के आशा के अनुरूप परिणाम आए तो बिहार में उसके ऊपर सहयोगी दलों का दबाव कम होगा। अगर परिणाम अनुकूल नहीं आया तो सहयोगी दलों का दबाव इस कदर बढ़ सकता है जो गठबंधन को ही खतरे में डाल देगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।